तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सब लोगों का डीप स्लीप गेमर्स में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं सोल्स एंड एसएमपी में। जी हाँ, फाइनली आ चुका है सोल्स एंड एसएमपी का एपिसोड 1। तो वाइज यार, मैंने बहुत सारी प्रोग्रेस कर लिया। मैं वीडियो थोड़ी लेट डाला है क्योंकि यार देखो यार, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मतलब टाइम लग रहा था, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का। तो वैसे फाइनली टाइम मिला है मेरे को वॉइस ओवर करने का, और ये है एपिसोड 1 ऑफ सोल्स एंड एसएमपी। और चलिए दिखाता हूँ आपको बिल्ड्स की क्या क्या बनाए। सो गाइस, मोस्ट रिसेंटली जो मैंने बिल्ड बनाया वो है अपना ये ट्री हाउस, बढ़िया सा। और सबसे ब्यूटीफुल बिल्ड तो मेरे को यही लगा है जो कि मैंने ये बनाया है। तो यार जल्दी से अंदर चल के आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। आपने हमने 4 डोर की एंट्रेंस बनाई है बढ़िया सी, और ये अपनी एलिवेटर, सस्ती एलिवेटर है। और ये इसका, और ये अपनी ट्री हाउस का सेकेंड फ्लोर दोस्तों। ये मैंने कुछ सस्ता टाइप ही बना दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को लैक्टन लग रहे थे बहुत सारे। मतलब वो होता है ना लाइब्रेरियन बनाने के लिए, वो लग रहे थे। और ये देखो गाइस, ये थर्ड फ्लोर, इसमें अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है, थोड़ा दोस्तों कंस्ट्रक्शन बाकी है। बाकी गाइस आपको शौर्य भाई दिखे थे, मैं जाता हूँ फटाफट से उनके पास। बाकी गाइस उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं उनके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में तो डालूंगा, साथ ही पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लेना उनके चैनल को। बाकी अपने शौर्य भाई किसी को पीट रहे हैं, लग रहा पिलेजर से। मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ थोड़ी। ओके, तो गाइस इसका सेकंड नंबर का बिल्ड है अपना, जो कि अपना घर जहाँ पे हम सोते हैं रहते हैं, जो कि बनाया शौर्य भाई ने। भाई ने तो बस से डेकोरेट कर दिया। और ये अपना फार्म जिसमें मैंने आलू उगा रखे हैं, और ये पता नहीं क्यों बना रखा है मैंने। और गाइस जी थर्ड नंबर पे आता है अपना ये शुगर केन फार्म, जो जिसमें कि बहुत सारे शुगर केन फार्म होते रहते हैं, ऑटोमेटिक है। भाई साहब शौर्य भाई पूछ रहे मेरे से रिकॉर्ड किया कि भाई कर रहा हूँ अभी। और ये रहा अपना विलेजर ब्रीडिंग फार्म, जिसमें अनलिमिटेड विलेजर्स ब्रीड होते रहते हैं। मैं आपको इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ। ये देखो 2 विलेजर्स हैं, उनको इन्हें फार्म करने के लिए दे दिया और बहुत सारे पोटेटोज दे दिए, और ये ब्रीड करते रहते हैं। और जैसे मैं बटन फ्लिक करता हूँ, माइनकार्ट में विलेजर्स आते हैं। ये देखिए माइनकार्ट आई है, इसमें विलेजर आते हैं अभी नहीं आए क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बाकी है अभी थोड़ी बहुत। फिर ये विलेजर हमने कम्युनिटी हॉल नाम का कुछ चीज़ बनाई थी, उसमें बस विलेजर रह रहे हैं, इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बाकी यार हम थोड़ा काम धंधा भी कर लेते हैं, मैं पे फार्मिंग कर लेता हूँ थोड़ी एक बहुत, क्योंकि इनको खाना देने का भी टाइम हो गया विलेजर्स को। मतलब मैं सारा नहीं दूंगा, कुछ अपने पास रख लूंगा और 2-3 स्टैक उनको दे दूंगा, क्योंकि उसमें 4-5 स्टैक निकलते हैं। ब्रो एक काम करते हैं। क्या ब्रो, क्या काम करना है? ये जगह तुम मुझको दे दो, तुम दूसरा बना लो। भाई क्या बोल रहा है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? इतनी मेहनत से बनाया हमने सब, अभी तो ठीक था, अभी क्या हो गया यार इसे? दे दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अबे तेरी गुस्सा आ रहा है बताऊं तेरे को अभी? अरे शिट शिट, ये पीवीपी कर रहा है और मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। मैं पीवीपी में कमजोर हूं उसे पता है, फिर भी मेरे से पीवीपी कर रहा है। ओ शिट, नहीं मैं हाफ आर्ट में ऊपर में गया यार। अरे नहीं यार मैं मर गया यार, अब वो बार बार मारेगा क्योंकि मैं उसको आर्मर तो है नहीं, ये बार बार आके मेरे को मारेगा जब तक मैं उसे भाग नहीं आता। भाई एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से जाता हूँ, अपना सामान लेता हूँ और फटाफट से भाग जाता हूँ उनसे। चलो 4-8 में फटाफट भाग जाऊँगा मैं। चल 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 चल, अरे शिट गाइस, मेरे को तो लग रहा है मेरे को यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मारता ही रहेगा मेरे को। तो मैं इसको फटाफट से बोलता हूँ, वेट वेट कर मेरे को थोड़ा। गाइज मैं इसे बोल रहा हूँ कि मेरा सामान तो दे दे, एटलीस्ट मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब फिर भी नहीं मान रहा यार। ये मेरा इलाका यार है भाई, ठीक है यार अभी के लिए तेरा ही है, लेकिन मैं रिवेंज लूँगा। तू सोच मत, तू सोच मत कि ये जगह तेरी हो गई है। गाइज अभी के लिए तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन मैं रिवेंज लेके रहूँगा। ओके गाइज, तो मैं भागता भागता कल रात को विलेज में आ गया था, तो रात भर मैंने यही गुजारी। और मेरे को शौर्य कहीं जाता हुआ दिख रहा है, मैं क्राउच कर लेता हूँ फटाफट से, नहीं तो ये मेरे को देख लेगा, मेरे को मारेगा। कहाँ जा कर रहा है ये शौर्य? शायद से मेरे को देख लिया गाइज, शायद से देख लिया, मैं पास में आ रहा। नहीं 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 नहीं, जा रहा है, दूर जाना है। ओके ओके, अच्छा यहाँ पे
विलेज के पास ही में थोड़ा सा मतलब माइनिंग एरिया है, तो शायद ये वहीं गया हुआ है माइनिंग के लिए, गया हुआ शायद। चलते देखते हैं। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था दोस्तों, ये माइनिंग के लिए गया हुआ है। और जल्दी चल देता हूँ कि ट्रेन का नेम टैग देखने। और अब गैस मुझे उससे अपने हाथों से मारना था, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं क्योंकि इनने मेरी स्वॉर्ड भी ले ली। अब तो पी वी पी तो वैसे ही अच्छा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उससे अपना आर्मर उतरवा लूँ। और जाहिर सी बात है मैं बोलूँगा आर्मर उतारते तो उतारेगा नहीं, इसलिए मैं सिंपल TNT सैंड ड्रॉप क्या बोलूँगी एक फॉल डैमेज ट्रैप बना रहा हूँ, जिससे कि वो गिर जाएगा, उसका आर्मर वगैरह सब चले जाएगा, फिर मैं अपने हाथों से उसे आसानी से मार सकता हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट से ट्रैप बना लेता हूँ, उससे पहले वो माइनिंग से आ जाए। ओके गाइस, तो ट्रैप सेट हो चुका है। और अब जब ये प्रेशर प्लेट पे पैर रखेगा ये सीधा नीचे फॉल डैमेज लेके मर जाएगा, और उसका आर्मर में मेरे पास तो नहीं, खैर चले जाएगा। ओके, तो इससे पहले ये फटाफट से अपने घर पे आए, फटाफट से मैं अपने विलेज में चले जाता हूँ। ओके गाइस, तो शायद से इसकी माइनिंग पूरी हो चुकी है और ये जा रहा अपने घर में, और ये अपने ट्रैप में फंसने ही वाला है बस। और यार ये, अरे यार ग्लिचेस, अब जल्दी से चलते हैं गाइस, ये ट्रैप में फंसने वाला है बस। जैसे ही ये अपने घर में एंटर करेगा वैसे ही एक धमाका होगा और ये फॉल डैमेज से गिर जाएगा। फटाफट से हम लोग अभी विलेज में से माइनिंग करके आ गए हैं, अभी सब टाइम एनवायरनमेंट सब रखना भी पड़ेगा, नहीं तो खो जाएगा। जितनी बार चाहूँ उतनी बार मार सकता हूँ और ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पे, और अपने शौर्य भाई नजर नहीं आ रहे। भाई कहाँ गए हैं, कहाँ छुप गए? यस भाई, इसी ट्रैप में वो गिरे हैं। और कहाँ गए वो? नहीं, वो आगे पीछे से आए हैं। बताओ कैसा लग रहा है शौर्य भाई? देखो अकड़ नहीं गई भाई साहब इसकी, बताता हूँ इसको अभी, ले ले। और इसी के साथ मेरा रिवेंज होता है पूरा। उस नीचे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखो गाइस।